जैसा कि आप से देख सकते हैं, इसको हमने पहले ही उबाल लिया प्रॉपर तरीके से। ये सोचने की गलती मत करना कि इसने बस उठा लिया और बना लिया। बचपन से बना रहा मम्मी के साथ, कोई भी पापड़ बोलोगे तो ये बना के देगा आपका भाई दो साइड में। तो पहले तो इसमें मस्त तरीके से बैठ जाते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो बड़ी मस्त है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा काले भी हो जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। पापड़ बना रहे हैं, ईमानदारी से काम करना है। जैसा कि आप दूसरी चीज़ है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है। एक प्रॉपर टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है सूजी को उबालने के लिए, जो कि मैंने मम्मी के साथ पहले से ही कर लिया था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो दूसरी वीडियो में वो वीडियो भी जरूर डालूंगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा है, इसको लेते हैं इस तरीके से। वैसे पहले एक टाइम था जब मैं मम्मी के चूड़ी और कड़े यूज़ किया करता था धोने के बाद, लेकिन अब इतनी आदत हो गई है और ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस हो गई है कि ये गोल मस्त तरीके से हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मस्त तरीके से गोल गोल हो रहे हैं। प्रॉपर गोल तो नहीं कह सकता मैं, पर इतना ज़रूर बोलता हूँ सूखने के बाद और पकने के बाद मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ पता नहीं था, इसमें बस सूजी को पानी के साथ उबाला गया है और बिल्कुल नाम मात्र जो कहते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में, इस पर नमक डाला गया है ताकि टेस्ट भी रहना चाहिए बरकरार, ठीक है। अब मुझे पापड़ देने लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं थैली बहुत बढ़िया है, इसमें आराम से जाने वाले हैं मेरे 20 से आधा घंटा, 20 मिनट या आधा घंटा, ठीक है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत काम है, तब तक आप मेरी वीडियो देखिए, लाइक ज़रूर करना और हाँ माता रानी का नाम लेते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में दो चीज़ें जो ज़रूर काम आने वाली, चाहे जवान चाहे बुढ़ापा, एक तो भगवान और एक शरीर, ठीक है। जय माता दी भाइयों और दोस्तों, मजे करो। आ गया आपका भाई वापस। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने काफ़ी हद तक पापड़ निपटा दिए, ये थोड़ा बहुत है जो लास्ट का ना थोड़ा गाढ़ा हो जाता है मामला, समझ रहे हो। तो इसमें थोड़ा पापड़ डालने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, पर आपके भाई ने पूरी मेहनत करी है कि 20 का 19 हो जाए, 20 का 11 ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पापड़ काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, सूखने के बाद और मज़ा आने वाला है। बाकी खाने के बाद सच ही बताऊंगा कि अच्छे हो रहे गंदे हो रहे, ये नहीं बोलूंगा कि मज़े आ गए, आपका भाई बोलेगा सच, ठीक है भाई लोगों। अब जैसा कि निपट ही गए पापड़, मैं भी आपसे आ गया चाहूँगा, ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ा निपटा के आते हैं। तब तक जय माता दी, खाते पीते रहिए और ऐश कीजिए।